हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लॉ एंड नॉलेज। सो आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे विद आवर डिस्कशन ऑन द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑफ 1963। बिफोर वी बिगिन विद द वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम। द लिंक फॉर आवर इंस्टाग्राम पेज विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो आज के वीडियो में हम फॉर्मली या फिर ऑफिशियली स्टार्ट करने वाले हैं विद आवर डिस्कशंस रिगार्डिंग द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। सबसे पहले हम एक बार ये देखते हैं दैट व्हाट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द सेक्शंस, या फिर किस तरीके से आपके इस एक्ट को फ्रेम किया गया है। सबसे पहले आता है दिस इज़ एक्ट नंबर 47। दिस मीन्स दैट जो 1963 ईयर था उसमें 47th एक्ट वॉज योर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। सो द नंबर ऑफ दिस एक्ट इज 47। नेक्स्ट, टोटल सेक्शंस जो हैं इस एक्ट में दे आर 42 सेक्शंस। इन 42 सेक्शंस को डिवाइड किया गया है इनटू थ्री डिफरेंट पार्ट्स, पार्ट वन, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री। जो आपका पार्ट टू और पार्ट थ्री है उनको फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू 8 डिफरेंट चैप्टर्स। ये 8 चैप्टर्स जो हैं आपके अलग अलग रिलीफ्स के फॉर्म में ही गिवन है एंड एट द एंड वी हैव इज वन स्केड्यूल अटैच्ड। सो छोटा सा एक्ट है, बहुत ज़्यादा लंबा एक्ट नहीं है। सो एज यू कैन सी द बेयर एक्ट इन फ्रंट ऑफ यू, सबसे पहले आता है द नेम दैट इज द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस कैसे किया गया है, पहले इसमें आएगा पार्ट वन विच इज़ योर प्रीलिमिनरी। सो इट इज़ फ्रॉम सेक्शन नंबर 1 टू सेक्शन नंबर 4। फिर इसमें आता है पार्ट 2, एज आई टोल्ड यू। यहाँ से आपके डिविजन ऑफ चैप्टर्स भी स्टार्ट हो जाता है। सो पहला चैप्टर है रिकवरिंग रिपोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। देन इज योर चैप्टर 2 विच इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट कम योर चैप्टर 3, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। चैप्टर नंबर 4, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। चैप्टर नंबर 5, कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। एंड चैप्टर नंबर 6 विच इज योर डिक्लेरेटरी डिक्रीज। ये था आपका पार्ट 2। फिर आपका स्टार्ट होता है पार्ट 3, जिसमें आता है चैप्टर नंबर 7 विच टॉक्स अबाउट द इंजंक्शंस जनरली। एंड लास्ट वी हैव इज चैप्टर नंबर 8 जो बात करता है अबाउट परपेचुअल इंजंक्शंस। एंड एट द एंड वी हैव इज वन स्केड्यूल एंड टोटल 42 सेक्शंस। तो आपका आता है इसका प्रीएम्बल विच सेज एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू सर्टन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। प्रीएम्बल हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, राइट? अब इसमें आता है आपका पार्ट 1 विच इज योर प्रीलिमिनरी फ्रॉम सेक्शन नंबर 1 टू सेक्शन नंबर 4। तो ऑल वी हैव इज सेक्शन 1। सेक्शन 1 इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू 3 सब सेक्शंस। सब सेक्शन 1 बात करता है आपके टाइटल ऑफ द एक्ट के बारे में, सब सेक्शन 2 बात करता है उसके टेरिटोरियल एक्सटेंट के बारे में, और सब सेक्शन 3 बात करता है अबाउट द कमेंसमेंट ऑफ द इनएक्टमेंट। सिमिलरली सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 सेज दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। दैट इज़ द टाइटल जो हमें बहुत क्लियर है, राइट? फिर इसमें आता है सब सेक्शन 2 विच सेज इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये बात करता है अबाउट द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द इनैक्टमेंट जो कि अब चेंज हो चुका है। वी ऑल नो दैट आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो स्पेशल स्टेटस है जे एंड के का, दैट हैज़ बीन वेव्ड ऑफ। सो नाउ जो आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी अप्लाई करता है। सो दिस क्लॉज हैज चेंज्ड, नाउ योर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जे एंड के ऑल्सो। फिर इसमें आता है सब सेक्शन 3 विच टॉक्स अबाउट योर डेट ऑफ कमेंसमेंट।
एसआरए की जो डेट ऑफ कमेंसमेंट है वो आपको सबसेक्शन 3 की बजाय इसके फुट नोट्स में मिलेगी, बिकॉज सबसेक्शन 3 सेज इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट. सो आपका जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की डेट ऑफ कमेंसमेंट है दैट इज 1 मार्च 1964, और ये डेट आपको कहाँ से मिलती है, ये डेट आपको मिलेगी इन योर फुट नोट्स. एज यू कैन सी इट इज 1 मार्च 1964. सो दिस इज द डेट ऑफ कमेंसमेंट जिस दिन आपका एसआरए कमेंस हुआ था. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं योर सेक्शन नंबर 2 विच इज योर डेफिनेशन क्लॉज. अब डेफिनेशन क्लॉज का पर्पस हम सब जानते हैं, जो भी आपके वर्ड्स डेफिनेशन क्लॉज में डिफाइंड हैं, वेयर एवर इन द एक्ट यू विल फाइंड दीज वर्ड्स, आपको इनको यही मतलब प्रोवाइड करना है जो आपका डेफिनेशन क्लॉज में गिवन है. राइट, सबसे पहले डेफिनेशन आती है ऑब्लिगेशन. इट सेज ऑब्लिगेशन इंक्लूड्स एवरी ड्यूटी इन्फोर्सिबल बाय लॉ. बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, हम सब जानते हैं ए और बी आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं. ए के ऊपर ड्यूटी है कि उसको अपना प्रॉमिस जो है वो परफॉर्म करना है, बी के ऊपर ड्यूटी है कि उसको अपना प्रॉमिस जो है वो परफॉर्म करना है. सो एक ऐसी ड्यूटी है जो लॉ की तरफ से इन्फोर्सिबल है. अगर ए या बी में से कोई भी अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता है तो आप उसके अगेंस्ट जो है वो एक्शन लेके आ सकते हैं. राइट, सो इसी काइंड की ड्यूटी को हम बोलेंगे ऑब्लिगेशन. सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय सिंपल ऑब्लिगेशन. दूसरी डेफिनेशन आती है सेटलमेंट. इट सेज सेटलमेंट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट other than a will or codicil as defined by the Indian Succession Act, whereby the destination or devolution of successive interests in movable or immovable property is disposed of or is agreed to be disposed of. बहुत सिंपल मतलब है, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आपको एक मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिस्पोजिशन के बारे में पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी जो है किस तरीके से डिस्पोज ऑफ की जाएगी, दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय अ सेटलमेंट. राइट, सो आप उस मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं सेल के थ्रू, वो इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज़ अ सेटलमेंट. आप उसको मॉर्गेज कर रहे हैं, आप इंस्ट्रूमेंट में एंटर करते हैं, दैट बिकम्स अ सेटलमेंट एट्सेट्रा. दो चीज़ें इसमें से एक्सक्लूड कर दी गई हैं, दैट इज विल और अ कोडिसिल. विल एंड कोडिसिल वी ऑल नो दैट विल एक डॉक्यूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप अपनी प्रॉपर्टी की टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन करते हैं. विल में आप स्पेसिफाई करते हैं कि कैसे जो है आपकी डेथ के बाद आपकी प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जाएगा. कोडिसिल क्या होता है, शॉर्ट में समझ लीजिए, एक एडिशनल इंस्ट्रूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट होता है जो विल के साथ अटैच किया जाता है, विच कंटेन्स सर्टन एडिशंस और अमेंडमेंट्स विच यू हैव टू मेक टू द विल. फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन ने एक विल जो है वो बनाई है, उसके बाद वो उस विल में कुछ और एडिशंस करना चाहते हैं या फिर कुछ उसमें से अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं, तो वो एक और डॉक्यूमेंट अटैच कर देते हैं विल के साथ जिसमें वो उन एडिशंस या फिर अमेंडमेंट्स को लिख देते हैं. उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को आप कोडिसिल कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है ट्रस्ट की. देखिए, इट सेज ट्रस्ट हैज द सेम मीनिंग एज गिवन इन सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट एंड इंक्लूड्स एन ऑब्लिगेशन इन द नेचर ऑफ अ ट्रस्ट विद इन द मीनिंग ऑफ चैप्टर 9 ऑफ दैट एक्ट. देखिए, ट्रस्ट का बहुत सिंपल मीनिंग है, ट्रस्ट एक काइंड ऑफ राइट होता है जो अटैच्ड होता है विद एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. इट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ फिड्यूशरी रिलेशनशिप, अटमोस्ट गुड फेथ का रिलेशनशिप होता है, एक रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फिडेंस होता है जिसमें एक पर्सन जो है अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन के नाम पर ट्रांसफ़र करता है ताकि उस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज किया जा सके फॉर द बेनिफिट ऑफ सम थर्ड पर्सन. राइट, वी ऑल नो कि ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, फिर भी इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ अ पर्सन मिस्टर एक्स. मिस्टर एक्स के पास कुछ प्रॉपर्टी है. राइट, मिस्टर एक्स इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देते हैं टू मिस्टर वाई. राइट, क्यों ट्रांसफ़र की गई है, ताकि मिस्टर वाई इस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करें फॉर द मेंटेनेंस एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज माइनर ग्रैंड डॉटर.
सो ये जो आप यहाँ पे एक रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है, दिस इज नोन एज द रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट. ये एक ट्रस्ट क्रिएट किया गया है, एक कॉन्फिडेंस है, एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में है. दैट मिस्टर एक्स अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को मिस्टर वाई को ट्रांसफ़र कर रहे हैं सो दैट मिस्टर वाई यूज़ करें इस प्रॉपर्टी को फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज माइनर ग्रैंड डॉटर. सो यहाँ पे मिस्टर एक्स ने एक ट्रस्ट क्रिएट किया है इन द फेवर ऑफ मिस्टर वाई. सो तीन पार्टीज हैं जो मिस्टर एक्स यहाँ पे ही विल बी नोन एज द क्रिएटर और ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, जिन्होंने ट्रस्ट क्रिएट किया है. मिस्टर वाई इज द ट्रस्टी, जिनके फेवर में ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है. और जो माइनर ग्रैंड डॉटर है, शी इज़ द बेनिफिशरी इन दिस केस. तो यही होता है एक ट्रस्ट. और इसके अलावा आपके इनैक्टमेंट कहती है कि जो भी आपका मीनिंग गिवन है अंडर योर चैप्टर 9 ऑफ दैट एक्ट, वो सेम मतलब जो है ट्रस्ट का आप यहाँ पे भी लेके आएंगे. नेक्स्ट डेफिनेशन आती है ट्रस्टी. इट सेज ट्रस्टी इंक्लूड्स एवरी पर्सन होल्डिंग प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं. और लास्ट इसमें आता है क्लॉज ई, विच सेज ऑल अदर वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड हेयर इन बट नॉट डिफाइंड एंड डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैव द मीनिंग्स रिस्पेक्टिवली असाइंड टू देम इन दैट एक्ट. सो क्लॉज ई का ये मतलब है, और जितने भी वर्ड्स या फिर एक्सप्रेशंस यूज़ किए गए हैं आपके स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, जो डेफिनेशन क्लॉज में डिफाइंड नहीं है लेकिन वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है, सो जो मतलब उनको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गिवन है, सेम मीनिंग विल बी गिवन टू देम अंडर योर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑल्सो. फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो एक इलस्ट्रेटिव एक्ट है, मतलब इस एक्ट के साथ साथ हमें और एक्ट्स को देखने की ज़रूरत भी पड़ेगी बिकॉज ये एग्जॉस्टिव नहीं है. सो जो क्लॉज ई है इस बात को जस्टिफाई करता है बिकॉज क्लियरली इसने लिखा है कि अगर कोई ऐसा वर्ड है जो SRA में डिफाइंड नहीं है लेकिन वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है, सो वहाँ से आप उसका मीनिंग उठा सकते हैं. दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय योर सब क्लॉज ई. सो ये था आपका डेफिनेशन क्लॉज. फिर इसमें आता है सेक्शन 3, विच इज़ योर सेविंग क्लॉज. सेविंग क्लॉज को आप अभी के लिए स्किप कर सकते हैं. इसको हम सेविंग क्लॉज को बेटर अंडरस्टैंड करेंगे जब हम इसको स्टडी करेंगे इन कनेक्शन विद सम अदर सेक्शन अंडर योर SRA ओनली. फिर इसमें इम्पॉर्टेंट आता है आपका सेक्शन नंबर 4, विच सेज स्पेसिफिक रिलीफ टू बी ग्रांटेड ओनली फॉर इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स एंड नॉट फॉर इन्फोर्सिंग द पीनल लॉज. इसका मतलब ये है कि जो आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, जो आपके स्पेसिफिक रिलीव्स हैं, वो सिर्फ सिविल राइट्स में ही एप्लीकेबल हैं, मीन्स आपके सिर्फ सिविल लॉज में अप्लाई होते हैं. SRA की प्रोविजन्स जो हैं वो आप पीनल लॉज के लिए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को इन्फोर्स करने के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं. सो SRA इज अ रिलीफ लॉ, इट इज अ सिविल लॉ इन नेचर विच कैन बी यूज्ड ओनली फॉर इन्फोर्सिंग योर इंडिविजुअल सिविल राइट्स एंड नॉट फॉर योर पीनल लॉज. क्लियर? सो ये हमारा था पार्ट 1, दैट इज प्रीलिमिनरी सेक्शन नंबर 1 टू सेक्शन नंबर 4 ऑफ योर SRA. ऑल राइट, अब हम स्टार्ट करते हैं विद आर वेरी फर्स्ट रिलीफ विच इज रिकवरिंग द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी चैप्टर नंबर 1. जो आपका वर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज किया गया है, इट इंक्लूड्स बोथ काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज, दैट इज योर इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी. सेक्शन 5 और 6 में हम डील करेंगे विद रिकवरिंग द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और सेक्शन 7 और 8 में आएगा रिकवरिंग द पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. सबसे पहले जो आपकी टर्म इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इट हैज़ द सेम मीनिंग जो आप पढ़ते हैं अंडर योर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट या फिर योर रजिस्ट्रेशन एक्ट. दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स 3 थिंग्स: लैंड, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच टू अर्थ, एंड थिंग्स विच आर परमानेंटली फसेंड टू वट एवर इज अटैच टू द अर्थ. बिफोर डिस्कसिंग सेक्शन 5, हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन डिस्कस करते हैं जो एसोसिएटेड है विद द टर्म पोजेशन, और ये आपको गिवन है अंडर सेक्शन 110 ऑफ योर इंडियन एविडेंस एक्ट. अब सेक्शन 110 जो है वो बात करता है एक प्रिजम्पशन के बारे में जो आपकी पोजेशन के साथ चलती है.
इट सेज कि अगर किसी पर्सन के पास एक प्रॉपर्टी की पोजेशन है तो लॉ ये प्रिज्यूम करके चलता है दैट ही इज ऑल्सो द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। अगर एक पर्सन के पास किसी प्रॉपर्टी का कब्जा है तो लॉ एक प्रिजम्पशन के साथ चलेगा कि वही पर्सन जो है वो उसका ओनर है। अगर कोई और पर्सन इस फैक्ट को डिनाई करता है देन द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज नॉट द ओनर इज अपॉन दैट पर्सन जो उसको फैक्ट को डिनाई कर रहा है। ये कहता है सेक्शन 110। बिकॉज पोजेशन जो है वो ओनरशिप के साथ कंसिडर की गई है, दैट पोजेशन इज 9 पॉइंट्स ऑफ ओनरशिप, राइट? दैट बेसिकली मीन्स जिस पर्सन के पास पोजेशन होता है ओनर भी उसी को ही माना जाएगा। सेक्शन नंबर 5 कहता है अगर कोई पर्सन इंटाइटल्ड है टू एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पे वर्ड इंटाइटल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है अगर एक पर्सन का हक है, वो हकदार है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर क्योंकि वो ओनर है या फिर उसके पास एक पोजेसरी टाइटल है अपॉन दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी, देन सेक्शन 5 सेज दैट इफ़ ही वॉन्ट्स टू रिकवर बैक द पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी, उसको CPC के प्रोसीजर्स को फॉलो करके एक सिविल कोर्ट में नॉर्मल सूट फाइल करना पड़ेगा। ही विल हैव टू फॉलो द प्रोसीजर्स एज गिवन अंडर योर सिविल प्रोसीजर कोड 1908। सेक्शन 5 सिंपल यही डिक्लरेशन आपको प्रोवाइड करता है। अब देखिए सेक्शन 5 का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है दैट अ पर्सन कैन नॉट बी अलाउड टू टेक लॉ इन हिज ओन हैंड्स, यानी आप फोर्स यूज़ कर जोर ज़बरदस्ती कर मसल पावर को यूज़ करके किसी पर्सन को प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको उस प्रॉपर्टी की पोजेशन वापस चाहिए देन आप कोर्ट में सूट फाइल करिए फॉर द इजेक्टमेंट। You bring your evidences, you prove before the court that your title is better, आप owner हैं या आपके पास एक better possessory title है और फिर court जो है आपके favor में decree grant करेगी and the court will grant you the possession of your immovable property. जो डिग्री है वो आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं order 21 rule number 35 and 36 of your civil procedure code. सो सेक्शन 5 का बेसिक ऑब्जेक्ट यही है कि आपको लॉ का जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा। अब सेक्शन 5 रीट्वीट किया जाता है विद टू आर्टिकल्स ऑफ योर इंडियन लिमिटेशन एक्ट, आर्टिकल 64 एंड आर्टिकल 65। सबसे पहले आता है सेक्शन 5 रीड विद आर्टिकल 64 ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट। अब देखिए आर्टिकल 64 ये कहता है कि अगर आप इंटाइटल्ड हैं एक इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन को वापस पाने के लिए तो आप जिस दिन आपको वहाँ से डिस्पोजेस किया गया है विद इन नेक्स्ट 12 ईयर्स का आपके पास पीरियड ऑफ लिमिटेशन अवेलेबल है, आप सूट फाइल कर सकते हैं CPC के अंडर टू रिकवर बैक द पोजेशन ऑफ दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक बात याद रखिए कि आर्टिकल 64 में जो आप इंटाइटल्ड हैं, जो आप हकदार हैं, वो इस बेसिस पे हैं कि आपके पास एक पोजेसरी टाइटल है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। आप ओनर नहीं हैं लेकिन आपके पास एक पोजेसरी टाइटल है। अब पोजेसरी टाइटल क्या होता है? पोजेसरी टाइटल का मतलब है कि आप एक लॉन्ग और सेटल्ड पोजेशन में हैं उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के और फिर आपको वहाँ से डिस्पोजेस कर दिया गया। देखिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि सेक्शन 110 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिजम्पशन रहती है विद रिगार्डिंग योर पोजेशन। इसके अलावा पोजेशन इज कंसिडर्ड टू बी 9 पॉइंट्स ऑफ लॉ, मतलब जिस पर्सन के पास पोजेशन होती है, एक सेटल्ड पोजेशन है, लॉन्ग एंड कंटिन्यूस सेटल्ड पोजेशन है, उसके पास राइट है कि वो अपनी पोजेशन को प्रोटेक्ट कर सकता है जस्ट लाइक अ ट्रू ओनर विल डू, राइट? ही हैज़ अ राइट टू प्रोटेक्ट हिज पोजेशन अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। अगला आता है सेक्शन 5 रीड विद आर्टिकल 65। इट सेज दैट इफ यू वांट टू रिकवर बैक द पोजेशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी बिकॉज यू आर एंटाइटल्ड, मींस आप ओनर हैं उस प्रॉपर्टी के, लेकिन जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो एडवर्स पोजेशन में जा चुकी है, मतलब जो पोजेसर है वो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करके बैठा है विदाउट योर कंसेंट, विदाउट योर परमिशन। सो इस केसेस में जिस दिन आपकी पोजेशन एडवर्स बनती है From that day, you have 12 years limitation period with you. आप 12 साल में suit file कर सकते हैं for recovering back the possession of your immovable property. Next, हमारे पास आता है section number 6.
जो सेक्शन 6 है वो भी डील करता है विद रिकवरिंग द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम वेयर यू आर डिस्पोजेस्ड। यहाँ पे वर्ड डिस्पोजेस्ड इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर एक पर्सन जो है वो पोजेशन में है एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के, लेकिन वहाँ से उसको डिस्पोजेस कर दिया जाता है, देन ही कैन फाइल अ सूट अंडर सेक्शन 6 ऑफ योर SRA टू रिकवर बैक द पोजेशन ऑफ दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी। राइट, ये सेक्शन जो है एक समरी रिलीफ के फॉर्म में अवेलेबल है, एक स्पेशल रिलीफ के फॉर्म में अवेलेबल है टेनेंट्स के लिए या फिर उन लोगों के लिए जिनको एक प्रॉपर्टी की पोजेशन से डिस्पोजेस कर दिया जाता है अनलॉफुली बिना उनके कंसेंट के। यहाँ पे मेंशन्ड भी है, लिखा गया है सेक्शन में, यू कैन सी इट सेज इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदरवाइज दैन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। मतलब आपको वहां से अनलॉफुली डिस्पोजेस कर दिया गया है, आपकी कंसेंट के बिना आपको डिस्पोजेस कर दिया गया है, तो आप सेक्शन 6 में सूट फाइल कर सकते हैं फॉर रिकवरिंग बैक द पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी। राइट, दिस बेसिकली मीन्स दैट इवन इफ ट्रू ओनर है, लैंडलॉर्ड है, उसने टेनेंट को अनलॉफुली अपनी प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दिया, वो उसने उसका सामान उठा के बाहर फेंक दिया, ठीक है, या फिर जो है ही कट्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, उसने वाटर सप्लाई बंद कर दिए ताकि टेनेंट जो है वो खुद वहाँ से बाहर निकल जाए, तो ये उसकी डिस्पोजेशन जो है वो लॉफुली नहीं है। यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रोसीजर्स विच हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द लॉ, यू आर डूइंग समथिंग विच इज़ अनलॉफुल। सो अगर ऐसा होता है तो टेनेंट जो है वो सेक्शन 6 में सूट फाइल कर सकता है। इस केस में जो है सेक्शन 6 के अंदर द कोर्ट इज नॉट कंसर्न्ड विद द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। कोर्ट ये बिल्कुल चेक नहीं करेगा कि प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, ए ओनर है, बी है, एक्स है, वाई है, नो। द कोर्ट विल ओनली कंसिडर दिस फैक्ट कि आप जो है इस प्रॉपर्टी की पोजेशन में थे, आपको वहां से अनलॉफुली विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर्स ऑफ लॉ डिस्पोजेस कर दिया गया है, तो कोर्ट जो है उसी टाइम ऑर्डर पास कर देगा दैट यू बी गिवन बैक द पोजेशन ऑफ दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी। राइट, तो ये एक समरी रिलीफ है, यहाँ पे टाइटल का कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, द इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज कि आप प्रॉपर्टी की पोजेशन में होने चाहिए एंड देयर बाय यू हैव बीन डिस्पोजेस्ड। राइट, फिर 2018 में सेक्शन 6 में अमेंडमेंट हुआ था as to who can file suit under section 6, it says he or any person through whom he has been in possession or any person claiming through him may by suit recover possession thereof notwithstanding any other title that may be set up in such suit। इसका मतलब है कि जिस person को dispossess किया गया है वो suit file कर सकता है, जिस पर्सन के थ्रू उसको पोजेशन मिला है वो सूट फाइल कर सकता है, या कोई और पर्सन है हु हैज़ बीन क्लेमिंग थ्रू हिम। इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर लैंडलॉर्ड है, उसने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो टेनेंट को रेंट पे दे रखी है, कोई और थर्ड पर्सन आता है, टेनेंट को अनलॉफुली वहाँ से निकाल देता है और खुद वहाँ रहने शुरू कर देता है, अब यहाँ पर लैंडलॉर्ड का भी नुकसान है बिकॉज जो रेंट उसको टेनेंट से मिल रहा था वो रेंट अब उसको नहीं मिल रहा, तो सेक्शन 6 के अंडर वो लैंडलॉर्ड भी सूट फाइल कर सकता है फॉर गेटिंग बैक द पोजेशन। इस सेक्शन में यू कैन इवन फाइल अ सूट अगेंस्ट अ ट्रू ओनर ऑल्सो। राइट, वो भी आपको अनलॉफुली ज़बरदस्ती बाहर नहीं निकाल सकता। फिर इसमें कुछ लिमिटेशंस आती हैं जो आपके सबसेक्शन 2 और 3 में है। इट सेज नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन। मींस आपके पास जो लिमिटेशन पीरियड है वो 6 मंथ्स का है, जिस दिन आपको डिस्पोजेस किया गया है अनलॉफुली विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको सूट फाइल करना पड़ेगा फॉर रिकवरिंग द पोजेशन और अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट की किसी लॉ के अंडर, किसी रूल के अंडर आपको डिस्पोजेस किया जाता है, फिर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन आती है सबसेक्शन 3 में। इट सेज कि इस केसेस में बिकॉज ये एक समरी रिलीफ है, एक स्पेशल रिलीफ है, दैट इज़ वाई जो भी डिक्री या फिर ऑर्डर कोर्ट पास करेगा उसमें कोई अपील या फिर आप रिव्यू फाइल नहीं कर सकते हैं। नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर और डिक्री पास्ड इन एनी सूट इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन नॉर शैल एनी रिव्यू ऑफ एनी सच ऑर्डर और डिक्री बी अलाउड। हाउएवर आप रिविजन में डेफिनेटली जा सकते हैं। फिर लास्ट आता है सबसेक्शन 4। इट सेज नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू एस्टैब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी एंड टू रिकवर पोजेशन देयर ऑफ। इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर टेनेंट जो है वो कोर्ट में जाके सूट फाइल करता है अंडर सेक्शन 6 दैट आई हैव बीन अनलॉफुली डिस्पोजेस्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी,
कोर्ट इज सैटिस्फाइड, कोर्ट जो है वो ऑर्डर या डिक्री पास कर देती है इन द फेवर ऑफ द टेनेंट एंड ही एंड द कोर्ट गिव्स बैक द पोजेशन टू द टेनेंट. अब ये जो डिक्री और ऑर्डर है इट विल नॉट पुट एनी बार अपॉन द ट्रू ओनर दैट इज अपॉन द लैंडलॉर्ड कि वो सब्सिक्वेंटली सूट फाइल कर सकता है जहाँ पे वो कोर्ट में ये बोलेगा दैट आई एम द ओनर, आई हैव अ बेटर टाइटल ओवर दिस प्रॉपर्टी, सो आई वॉन्ट टू गेट बैक द पोजेशन. दिस इज वॉट सेक्शन सबसेक्शन 4 इज सेम. ठीक है, कि जो डिक्री या फिर ऑर्डर सेक्शन 6 में पास की जाएगी अगेंस्ट द इन फेवर ऑफ द पोजेसर दैट विल नॉट ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा, वो रेस जुडिकाटा ऑपरेट नहीं करेगी, वो कोई बार नहीं लगाएगी ट्रू ओनर पे कि वो सूट फाइल कर सकता है, सबसिक्वेंट सूट फाइल कर सकता है कोर्ट में जहाँ पे वो ये बताएगा कि आई एम एंटाइटल्ड एंड नाउ आई वॉन्ट द पोजेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी बैक. We have certain important points regarding section 6. First says the plaintiff was in possession. ये बहुत important है कि सबसे पहले आप already possession में होने चाहिए और thereafter जो है आपको unlawfully dispossess किया गया है. So the fact of previous possession of the plaintiff is important. It must be there, right? और दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो आपकी पोजेशन है दैट मस्ट बी जुरिडिकल पोजेशन या फिर आप सेटल्ड पोजेशन में होने चाहिए. देखिए पोजेशन के साथ दो पॉइंट्स होते हैं, कॉर्पस और एनिमस. कॉर्पस का मतलब है कि आपका एक फिजिकल कंट्रोल है एक प्रॉपर्टी के ऊपर और एनिमस का मतलब है कि आपकी मेंटल इंटेंशन होना चाहिए टू पोजेस दैट प्रॉपर्टी, राइट. सो ये दोनों एलिमेंट्स का प्रेजेंट होना इम्पॉर्टेंट है, कॉर्पस एंड एनिमस, विच मीन्स आप एक सेटल्ड पोजेशन में होने चाहिए, एक ऐसी पोजेशन में होने चाहिए विच इज़ रिकोगनाइज्ड बाई लॉ. दैट मीन्स कि अगर हम एक ट्रेसपासर की बात करें, मेरी प्रॉपर्टी है उस पर ट्रेसपासर ज़बरदस्ती घुसता है एंड ही स्टार्ट्स टू लिव देयर, मैं उसको जो है मसल पावर यूज़ करके बाहर निकाल देती हूँ, डिसपोजेस कर देती हूँ. नाउ द ट्रेसपासर कैन नॉट फाइल अ सूट अंडर सेक्शन 6 बिकॉज उसकी जो पोजेशन है वो सेटल्ड नहीं है, वो जुरिडिकल रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ नहीं है. दूसरा इसमें आएगा पोजेशन वॉज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज अ सेम मीनिंग. देन प्लेंटिफ वॉज डिसपोजेस्ड विदाउट कंसेंट, उसकी कंसेंट के बिना उसको डिसपोजेस किया गया है. This possession was not in due course of law, unlawfully, बिना law के procedures को follow करके dispossess किया गया है. And suit for recovery is filed within 6 months. ये बहुत important है under section 6. अगर उसके जो है 6 months expire हो जाते हैं then he has an alternate remedy that he can file a suit for the recovery under section 5 of SRA. लेकिन उस case में जो है उसको अपना टाइटल जो है वो बेटर प्रूव करना पड़ेगा. इट कैन बी ईदर सेक्शन 5 रीड विद आर्टिकल 64 और सेक्शन 5 रीड विद आर्टिकल 65. और जहाँ पे सूट फाइल किया जाएगा अंडर सेक्शन 5 वहाँ पे टाइटल एज अ डिफेंस कैन बी रेज्ड, द क्वेश्चन ऑफ टाइटल विल डेफिनेटली बी रेज्ड. लेकिन सेक्शन 6 में जो है टाइटल का क्वेश्चन नहीं आता है. So this was all about this video. अगर आपके कोई और doubts हैं, कोई questions हैं, you can definitely ask them in the comment section below. And also if you like this video, then do hit the like button. Thank you. Next video में हम continue करेंगे with section 7 and section 8, which is again recovery of the possession of your movable property.